अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल। नॉर्मल ट्राइफल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम केक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच ये कस्टर्ड बनता है। तो चलिए इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जेली बनाएंगे। जेली बनाने के लिए हम सॉस पैन में 2 कप पानी लेंगे और इसे हम बॉईल करेंगे। अच्छी तरह से हमने पानी को बॉईल करना है। ये वाली जेली का पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ, फॉस्टर क्लर्क्स का। पानी में उबाल आ चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। याद रखें, फ्लेम को ऑन नहीं छोड़ना, फ्लेम को ऑफ करके अपनी जेली का पैकेट जो है वो इसमें ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो इसके क्रिस्टल्स हैं वो डिसॉल्व हो सकें। और जब इसके क्रिस्टल्स डिसॉल्व हो जाए तो तब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे। सर्विंग बाउल में डालने के बाद अगर ये गर्म हो तो थोड़ा सा इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और इसके बाद आप इसे फ्रिज में रख दें तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए, जब तक कि ये मुकम्मल सेट ना हो जाए। अब हम कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए हम फुल फैट फ्रेश मिल्क लेंगे, तकरीबन 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर। कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर जस्ट अ पिंच हम ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। चीनी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3/4 कप यानी कि 1 कप से थोड़ा सा, थोड़ी सी कम चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है ये दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और इसमें 1 कप फुल फैट मिल्क लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 8 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है। और आपके पैकेज के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप अपने कस्टर्ड को बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर इसमें लम्स हों तो इसको आप छान लें और जो बाकी बच जाए तो इसमें भी आप थोड़ा सा दूध ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी आप छान लें। तो इससे ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मूथ सा मिक्सचर हमारा बन जाएगा। ये देखें, इस तरह से दूध में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बनाया है वो ऐड करते जाएंगे और मुसलसल इसे विस्क से हम स्टर करते जाएंगे। जब आप इसको स्टर नहीं करते और इसमें कस्टर्ड ऐड कर लेते हैं तो इसमें लम्स बन जाते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें स्मूथ सा कस्टर्ड चाहिए और यही कंसिस्टेंसी ठीक है। बस इसके बाद हम इसे बॉल में निकाल लेंगे और मुसलसल स्टर करते हुए विस्क चलाते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। इस तरह से क्रीमी होना चाहिए। अब हम लेंगे कोई से भी टी बिस्किट्स, मैं यहाँ पे हमारी के पैकेट्स ले रही हूँ 2 अदद, और इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं जो कि मसाले पीसने वाली मशीन होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच मक्खन और फिर से हम इसे क्रश करेंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो सेपरेट में कर लें, चाहे तो एक बड़ा बाउल ले लें और इसमें कर लें। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, सेट करेंगे, फ्रिज में हम इसे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपने फ्रूट्स कट कर लेंगे। फ्रूट्स आप कोई से भी ले सकते हैं पसंद के हिसाब से या फिर सीजन के हिसाब से। मैं यहाँ पर ले रही हूँ बनानास, एप्पल्स, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज। फ्रूट्स को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, छोटा छोटा कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहें थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, टेस्ट पर डिपेंड है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, कस्टर्ड को और क्रीम को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, क्रीमी सा। ये जेली मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये सेट हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से इसके क्यूब्स बन गए हैं। बिस्किट का जो बेस हमने बनाया था वो सेट हो चुका है फ्रिज में। अब हम इसके ऊपर फ्रूट्स डालेंगे।
याद रखें कि फ्रूट्स में कोई पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़े से फ्रूट साइड्स पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज वगैरह या कोई भी मैंगो वगैरह आप साइड्स पर भी लगा सकते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। क्रिस्टल का बॉल ले लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इसमें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जेली के लेयर, छोटे क्यूब्स भी कट कर सकते हैं, बड़े भी कट कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से। जेली के लेयर के ऊपर हम लगाएंगे कस्टर्ड के लेयर। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही रिच है और बहुत ही स्मूथ है। कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर सेट कर लिया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। छोटे वाले जो बॉल्स हमने लिए हैं उसमें भी हम इसी तरह की सेटिंग कर लेंगे, यानी कि पहले फ्रूट्स और जेली, और इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे व्हिप्ड क्रीम से। व्हिप्ड क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और स्टार टिप की मदद से मैं इसके ऊपर इस तरह करके रोजेट्स बना रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से इसके ऊपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, व्हिप क्रीम ऐड कर लें, फ्रेश क्रीम फेंट कर आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ी सी जेली मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, ग्रेप्स रेड वाले, आप चाहें तो स्ट्रॉबेरीज लगा दें, चाहें तो चेरीज लगा दें, आलमंड्स। और थोड़ी सी रेजिन्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से किसी भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सा हमारा फ्रूट ट्राइफल तैयार है। ये इसके लेयर्स हैं, ये इसकी फाइनल लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट में भी बहुत औसम है। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छी तरह से ठंडा करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इसके साथ ही अगर आपने मेरे दूसरे चैनल लाइफ स्टाइल विद लाइवली कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे दूसरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।